Hey guys, welcome back to Wardrobe Stories. I hope you all are doing good. Welcome to a new video. And a big thank you to each and every subscriber. We just hit a major milestone of 1 lakh YouTube family. Yes, it feels so amazing and means a lot to me. It has been a fantastic journey and I'm so grateful for your love and support. Each and every like and comment has motivated me to create a good content, and I promise to create more useful and meaningful content for you guys in the future as well. And ye precious moment maine celebrate kiya apne family and friends ke saath. Thank you so much guys for coming and giving this surprise. It's raining in Bangalore since 1 week and it's getting difficult to dry clothes in the balcony. I have installed the ceiling clothes dryer in the balcony, but in the rainy season it's not possible to dry clothes outside. Plus I have baby at home, तो उसके कपड़े dry करने में बहुत problem हो रही थी. So मुझे एक clothes drying stand चाहिए था, that too in a budget. So Amazon पे थोड़ा search करने के बाद मुझे ये Amazon का clothes drying stand मिला. This stand is foldable, so it's convenient to fold it and store in some corner, and it will not occupy much space when not in use. सो मैं बेबी के क्लोथ्स इस रूम में फैन के नीचे ड्राई करने के लिए रख रही हूँ, तो यहाँ पे ये थोड़े से सूख जाएंगे एंड जब भी धूप आएगी तो मैं एक बार फिर से सुखा के इन्हें अच्छे से स्टोर करके रख दूंगी. इस ड्राइंग स्टैंड में आपको 20 ड्राइंग रेल्स मिलेंगी. 3-way फोल्डेबल है, प्लस बहुत लाइट वेट भी है, सो यू कैन ईजिली शिफ्ट इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मैंने ये स्टैंड लिया था अमेजोन से 1600 के अराउंड, लेकिन अभी ये सेल में अवेलेबल है 1299 में, जो कि काफ़ी अच्छी डील है. अमेजोन पे प्राइम डे सेल चल रही है फ्रॉम 20 जुलाई टू 21 जुलाई. आपको बहुत अच्छी डील्स मिलेंगी बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे, तो जो भी चीज़ें आपको लेनी है इस टाइम पे आप ले सकते हैं. अनदर बेस्ट परचेज फ्रॉम अमेजोन इज दिस स्टेप लैडर, विच इज़ हाईली रिकमेंडेड टू परचेज इन दिस सेल. मैंने ये लेडर दिवाली के टाइम पे ली थी, जो कि बहुत यूजफुल रही क्लीनिंग एंड डेकोरेशन वर्क में. ये एक 5-step लेडर है फ्रॉम द ब्रांड अमेजोन बेसिक्स. मुझे बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना था इस पे, एंड बहुत सारी 5-step लेडर जो है 5000 की रेंज में मिल रही थी, बट अमेजोन बेसिक्स की ये लेडर मुझे मिली 2600 के अराउंड, तो काफ़ी अच्छी डील थी. इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, बहुत स्टर्डी है एंड लॉन्ग लास्टिंग है. एंड हर घर में एक इस तरह की लेडर ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत यूज़फुल रहती है, चाहे आपको फैंस क्लीन करने हो, कर्टेंस उतारने हो, या फिर कोई भी डेकोरेशन आइटम जो है वो वॉल पे लगाने हो, तो ये बहुत यूज़फुल रहती है. हाल ही में मैंने कुछ वॉलपेपर्स लगवाए थे, तो वहाँ पे भी ये काफ़ी यूज़फुल रही. प्लस अगर मुझे बैल्कनी में कभी भी कुछ काम रहता है, चाहे क्लीनिंग हो या फिर कुछ डेकोरेशन का वर्क हो, तो ये लेडर बहुत काम आती है. इस टाइम पे सेल चल रही है, अगर आपको लेनी है तो दिस इज़ द बेस्ट. एंड इस टाइम पे जो सबसे ज़रूरी परचेज था एंड जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस टाइम पे, वो है ये स्ट्रॉलर. माय बेबी हैज़ जस्ट टर्न 6 मंथ्स एंड बहुत ज़रूरी था मुझे ये लेना, तो मैंने बहुत सारी सर्च करी थी अमेजोन पे कि मुझे एक बहुत अच्छा सा स्ट्रॉलर मिले, जैसे कि मैं अच्छे से कैरी कर सकूँ. तो आर फॉर रैबिट ब्रांड का ये स्ट्रॉलर मैंने लिया है, जो कि बहुत यूज़फुल है. इसमें आपको ये बेल्ट मिलेगी, जिससे कि आप अपनी बेबी को सिक्योर करके बिठा सकते हैं. एंड ये कैनोपी मिलेगी, एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप देख सकते हो कि बेबी क्या कर रहा है, तो बहुत अच्छा है. बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स इन्होंने ध्यान रख के ये बनाया है. साथ ही यहाँ पे पॉकेट मिलेगी, जिसमें कि आप अपना फ़ोन या भी ज़रूरी सामान जो है वो रख सकते हो. एंड नीचे भी आपको काफ़ी स्पेस मिल रहा है, जहाँ पे कि आप कोई भी बड़ी चीज़ है तो वो रख सकते हो. एंड पीछे आपको यहाँ पे एक बेल्ट का ऑप्शन मिलेगा, जिससे कि आप इसकी सिटिंग पोजिशन को चेंज कर सकते हो. अगर बेबी को सोना है तो उसको थोड़ा लूज़ कर दीजिए, अगर आप बेबी को सिटिंग पोजिशन में बैठना है तो आपसे थोड़ा सा टाइट करके रख सकते हैं. मुझे जो स्ट्रॉलर लेना था वो इस तरह का चाहिए था कि अगर मैं ट्रैवल करूँ तो मैं उसे अपने साथ कैरी कर सकूँ. तो ये आर फॉर रैबिट में जो है ये स्ट्रॉलर था, जो कि आराम से फोल्डेबल था, एंड आप इसे आराम से फ्लाइट के कैबिन में स्टोर कर सकते हैं. तो अगर आपको ट्रैवल करना है बच्चे के साथ, तो इस तरह का स्ट्रॉलर ले सकते हैं, जो कि बहुत यूज़फुल है, लाइट वेट है, एंड 360 डिग्री जो है इसके टायर्स रोटेट हो जाते हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती. मैं इस तरह से घर में ही घुमाने के लिए भी इसे यूज़ कर लेती हूँ. अगर वो रो रहा होता है तो उसको एक तरह से राइट दे दो, तो काफ़ी अच्छे से जो है वो खुश हो जाता है. मैं लास्ट 4 ईयर्स से ये पिजन का 2 बर्नर गैस स्टोव यूज़ कर रही थी. माई एक्सपीरियंस विद दिस हैज़ बीन क्वाइट गुड, एंड ये भी परफेक्टली अभी भी वर्क कर रहा था. लेकिन मुझे इस घर में 2 बर्नर से 4 बर्नर गैस स्टोव में शिफ्ट होना था, सो आई डिसाइडेड टू चेंज इट.
एंड फाइनली थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे ब्लो हॉट का ये 4 बर्नर गैस स्टोव मिला। इसमें 2 ऑप्शंस आते हैं, ऑटो इग्निशन एंड मैनुअल इग्निशन। मैंने मैनुअल इग्निशन का लिया है, आप चाहे तो ऑटो इग्निशन वाला भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको इसकी अनबॉक्सिंग होते हुए भी दिख रही है, साथ ही हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन भी कर रहे हैं। इसका सेल्फ इंस्टॉलेशन कर सकते हो आप, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। आपको इसमें टफ एंड ग्लास मिलेगा, स्लीक है एंड काफ़ी स्टाइलिश डिज़ाइन है इसका, किचन के एस्थेटिक्स को काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग बनाता है। इसमें आपको 2 ईयर वारंटी के साथ ये मिलेगा, साथ ही आपको 1 ईयर जनरल वारंटी भी इसमें मिल रही है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी में ये आपको मिलता है। मैं इसे यूज़ कर रही हूँ लास्ट 8 मंथ से एंड अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो इस प्रोडक्ट के साथ अभी तक बहुत अच्छा रहा है। अगर आपको ट्राई करना है तो आप भी लेके देख सकते हैं। एंड आज के वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कोई भी पेड प्रमोशन में नहीं है। सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ जो हैं वो मैं अपने एक्सपीरियंसिस के बेसिस पे शेयर कर रही हूँ। ये गैस स्टोव मैंने दिवाली के टाइम पे लिया था अराउंड 4500, लेकिन अभी सेल के टाइम पे आपको ये 3479 रुपीज़ में मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी डील है। एंड मैं बहुत टाइम से एक कॉम्पैक्ट वैक्यूम क्लीनर देख रही थी अपने लिए, एंड फाइनली मुझे ये नुक का रेनगो वैक्यूम क्लीनर मिला, जो कि पोर्टेबल है, आप कहीं भी इसे कैरी कर सकते हैं। छोटा सा है तो आप आराम से किसी भी जगह पे इसे स्टोर करके रख सकते हैं, स्टोरेज का भी प्रॉब्लम नहीं है इस वैक्यूम क्लीनर के साथ, एंड बहुत पावरफुल है। यहाँ पर मैं आपको अनबॉक्सिंग करके भी दिखा रही हूँ। इस वैक्यूम क्लीनर का साइज़ बहुत कॉम्पैक्ट है, तो आप आराम से इधर से उधर लेके भी जा सकते हैं। आप इसे कार क्लीनिंग के यूज़ में भी लेके आ सकते हैं, तो बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है। मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी, तो फाइनली मुझे अमेज़ॉन पे ये दिखा। ये एक कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर है, इसमें आपको 7 अटैचमेंट्स मिलेंगी, एक स्टोरेज बैग भी मिलेगा, डुअल फिल्ट्रेशन विद हेपा ये मिलता है आपको, BLDC मोटर है एंड 2 सेक्शन मोड्स के साथ ही आपको मिलेगा। मुझे पर्सनली ये वैक्यूम क्लीनर काफ़ी अच्छा लगा। सबसे पहले तो ये हैंडी है, तो बहुत इजीली यूज़ हो जाता है, आप किसी भी कॉर्नर में लेके जा सकते हैं। कॉर्ड के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है इधर से उधर शिफ्ट करने में, लेकिन इसे आप यूज़ कर सकते हैं बहुत इजीली। इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको किचन की ड्रॉर्स हैं या फिर आपके घर में कोई भी चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स वगैरह क्लीन करनी है, तो उनको क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि छोटे हैं एंड इसके जो फिल्टर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत आराम से जो है कैबिनेट्स वगैरह क्लीन हो जाते हैं। इस तरीके की जो छोटी छोटी डस्ट होती हैं वो सब चीज़ें होती हैं वो बहुत आराम से इसे यूज़ करके आप क्लीन कर सकते हैं। किचन के वो कॉर्नर्स जो बिल्कुल भी अच्छे से साफ़ नहीं होते, बहुत प्रॉब्लम होती है, उन कॉर्नर्स को आप क्लीन कर सकते हैं इस वैक्यूम क्लीनर के साथ। एंड ये आपको अमेज़ॉन पे मिलेगा 3299 रुपीज़ में। थोड़ा सा मुझे कॉस्टली लगा, लेकिन बहुत यूज़फुल है। छोटा है तो बहुत आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए, साथ ही कार में बहुत बार जो है चीज़ें गिर जाती है, वहाँ पे इसे क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से सोफ़ा या फिर अगर कारपेट में कोई चीज़ गिर जाती है, डस्ट वगैरह है, तो उसे क्लीनिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ गोल्डमेट्स वैक्स वार्मर। वैसे तो मुझे कैंडल्स पसंद हैं, लेकिन मुझे किसी ने गिफ्ट किया था ये, एंड प्लस घर में बेबी है तो मैं इसे यूज़ नहीं कर सकती, बट समवन हैज़ गिफ्टेड मी दिस गोल्डमेट्स वैक्स वार्मर एंड आई लाइक दैट। इलेक्ट्रिक है तो कैंडल की तरह फायर का भी इशू नहीं है इसमें, प्लस वैक्स मेल्स काफ़ी टाइम तक फ्रेग्रेंस देती हैं। मैंने इसे अपने घर में एंट्रेंस पे रखा हुआ है, ताकि जब भी कोई गेस्ट आए तो उसे काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस एंड वाइब आए। वैक्स मेल्ट्स भी काफ़ी इजी टू यूज़ होते हैं, जस्ट आपको इस सिलिकॉन कप में उन्हें रख देना है, जैसे आप ऑन करोगे तो इस तरह से मेल्ट हो जाएंगे एंड बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस जो है वो पूरे घर में स्प्रेड हो जाती है। इसे क्लीन करना भी काफ़ी इजी है, इस तरह से आप वैक्स को रिमूव कर सकते हैं एंड कोई नई सेंट जो है इसमें डाल सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली है, 3500 का मिलेगा ये आपको। माई नेक्स्ट परचेज फ्रॉम Amazon इज़ दिस कप एंड सॉसर सेट फ्रॉम बोरोसिल बाय लारा। एंड ये 6 का सेट मिला है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत रीजनेबल प्राइस में मिला है, प्लस क्वालिटी भी डिसेंट है। तो अगर आपको बहुत अफोर्डेबल रेंज में ये सेट चाहिए तो आप Amazon से ले सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। Amazon पे चल रही है प्राइम डे सेल ऑन 20th July एंड 21st July, तो अगर आपको कुछ भी परचेज करना है देन दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर शॉपिंग। लिंक्स मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का ये कलेक्शन आपको कैसा लगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए कलेक्शन के साथ। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी सारी वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम नोटिफाई हो जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर होम डेकोर आइडियाज़।